जो ईमानदार है उसको तो नवाजा जाएगा, लेकिन जो बेईमान होगा, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, उसको सजा मिलेगी। आप जो गलत डॉक्टर हैं तो आप उसको तो आप प्रमोट नहीं ना कर सकते हैं, एंडोर्स नहीं ना कर सकते हैं। पे लोगों को जाना है जाए, लेकिन हम जनता के लिए हैं, जनता ने हमें चुना है। और अरे यार भाई, एसोसिएशन का काम ही होता है कि भाई डॉक्टर के लिए बनाया तो डॉक्टर ही का ना पक्ष रखेगा। हाँ, लेकिन एसोसिएशन को तो ये भी देखना चाहिए कि भाई गलत डॉक्टर के लिए भी पक्ष रखेंगे, ये भी तो देखना चाहिए। सिस्टम में परेशानी भाई, भाई जो सही है उसको ना आप सपोर्ट कीजिएगा। आप जो गलत डॉक्टर हैं तो आप उसको तो आप प्रमोट नहीं ना कर सकते हैं, एंडोर्स नहीं ना कर सकते हैं। आप बताओ, जिस डॉक्टर को, जिस सुपरिटेंडेंट को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये नहीं पता अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है NMCH, वहाँ डेंगू वार्ड कहाँ है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं। तो जहाँ जाना है, जिस स्तर पे लोगों को जाना है जाए, लेकिन हम जनता के लिए हैं, जनता ने हमें चुना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ये सरकार जो है जनता की सरकार है, तो जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग और किसी के लिए थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पे। भाई आप बताइए, इतना साल से डॉक्टर, 705 डॉक्टर गायब था, कोई 10 साल से गायब है, कोई 12 साल से गायब है, कोई 5 साल से गायब है, 705 डॉक्टर का लिस्ट आया, क्या एक बार भी इनके एसोसिएशन ने बोला कि ऐसे डॉक्टरों पे कार्रवाई करनी चाहिए? वो तो हम आ करके ना कार्रवाई कर रहे, तो ये तो बेकार की बात है। इन लोगों का आया कि हल्ला मचाओ। और देखिए, हर जगह हर तरह के मानसिकता के लोग भरे पड़े रहते हैं। अब अच्छा काम करने जाइएगा तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहती, लेकिन हमारा कोई ध्यान ही नहीं इन सब चीज़ों पे। अरे भाई, एसोसिएशन को तो ये निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ये सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। यहाँ जो सच्चा व्यक्ति है, जो ईमानदार है, उसको तो नवाजा जाएगा, लेकिन जो बेईमान होगा, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, उसको सजा मिलेगी।